रायगढ़ के नगर निगम में लगभग 360 सफाई कर्मी कार्यरत हैं, पर आए दिन ये सैकड़ों सफाई कर्मी अपनी कई विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहते हैं और जब भी हड़ताल पर जाते हैं तो शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। फिर उसके बाद शहर सरकार जाकर सिर्फ आश्वासन देकर सफाई कर्मियों को वापस काम पर ले आती है, पर आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस माह भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग सैकड़ों की संख्या में मौजूद सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिला, जिससे कि इनकी माली हालत काफी खराब हो गई और साथ ही साथ पीएफ की राशि का भी इनका कोई हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण आज फिर सफाई कर्मियों का आक्रोश फूटा और वो सभी निगम पहुंचकर आयुक्त और महापौर से मिलकर अपनी समस्या को रखने की बात कही और समस्या का समाधान नहीं होने पर हड़ताल पे जाने की बात कही। पर घंटों बैठे रहने के बावजूद भी ना ही निगम में आयुक्त पहुंचे और ना ही महापौर, अतः सफाई कर्मी घंटों उनका इंतजार करते ही रह गए। अब भविष्य में देखना लाजमी होगा कि सफाई कर्मियों की समस्या का समाधान होता है या फिर हड़ताल पर जाती हैं सफाई कर्मी। मेरा नाम राजेंद्र कंसारी है और मैं प्लेसमेंट कर्मचारियों का अनियमित कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ। आज लगातार 3 महीना हो गया है ना, हम लोग का पेमेंट 20-25 तारीख वो भी आधा आदमी का आ रहा है, आधे लोग का 1-2 तारीख में आ रहा है, ये 3रा महीना है, इसमें भी आधे लोगों का हुआ आधे लोग का नहीं हुआ है। दूसरा बात ये है, हम लोग जो EPF पहले वाला था भरपानी जी का और माँ चंडी का, वो भी हम लोग का पैसा जमा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होगा, हम लोग का पैसा जब जमा हो रहा है तो पैसा सब कहाँ जा रहा है, कट करके मिल रहा पैसा। अब माँ चंडी में कितने लोग भर्ती हुए हैं तो ज़्यादा आदमी हो गए, उस समय हम लोग क्या करेंगे उसका? और ठेकेदार जानेगा, निगम जानेगा, हर काम में निगम आता है, सभी दौर का लोग आते हैं, तुम लोग काम करो, ऐसा करो, वैसे करो बोलते हैं। हम लोग काम करते हैं, उनके कहने के मुताबिक करते हैं, जब भी बुलाते हैं उस समय में हम लोग जाते हैं काम। जब हमारा लोग का समय आता है तो हम लोग साथ क्यों नहीं देते हैं? अब निगम ठेकेदार को सौंपता है, ठेकेदार निगम को सौंपता है, उस बीच में हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग जो गरीब मजदूर हैं, जहाँ भी जाते हैं काम करेंगे तब खाएंगे हम लोग, अब नहीं कमाएंगे तो खा नहीं पाएंगे हम लोग। बीवी बच्चे वाले हैं, पढ़ रहे हैं, फिर घर किराए आदमी आधे घर किराए वाले भी, फिर जो कर्जा वाले, अभी हम लोग महापौर आयुक्त जी के पास आए थे, वो दोनों नहीं हैं, तो साखा भैया वहाँ बैठे थे अंदर में, हम लोग उनसे बात किया, ऐसे आपसे बात कर रहे थे, जैसे कि कई जन सबका जमा हो रहा है पैसा, लेकिन आधे जन का नाम बता रहे, आधे जन का नाम नहीं बता रहे उसमें पेमेंट में, EPF का जो राशि है, तो उतना पैसा सब कहाँ जा रहा है? निगम को मालूम नहीं है, ठेकेदार को मालूम नहीं है, तो पैसा कट के जा रहा है कहाँ? हाँ वो होना चाहिए बराबर हम लोग का, हम लोग एक्शन लेंगे आगे। मजबूर हम लोग उन लोग करते हैं हड़ताल करने के लिए, हम लोग मजबूर नहीं होते हैं, मजबूर करते हैं निगम, निगम के द्वारा ही हम लोग मजबूर किया जाता है कि हड़ताल करो बोल के। जब हड़ताल करते हैं तो कुछ ना कुछ एक दो काम होता है, छुट्टी के विषय में हड़ताल किए थे, PF के बारे में हड़ताल किए, खाली छुट्टी मंजूरी है, अभी तो EPF का कुछ पता नहीं है, तो कट रहा है इतना साल से पैसा, अभी 3 साल हो गया ना, तो पैसा सब कहाँ जा रहा है, किसके फंड में है? हमारे खाते में नहीं आ रहा है तो ठेकेदार के खाते में नहीं है, निगम में नहीं है, तो सब पैसा कहाँ जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? समय न्यूज़ के लिए रायगढ़ से हिना निषाद की रिपोर्ट।